सोनीपत अनाज मंडी में गेहूं की बंपर आवक हो रही है। ऐसे में मंडी में खरीद और गेहूं के उठान को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिला उपायुक्त नलित सिवाच ने बताया कि जिले में फसल खरीद के लिए 4 मंडियां और 4 सभ्याट बनाई गई हैं, जहां खरीद चल रही है। सोनीपत जिले में 4 मंडियां, 4 सभ्याट और 14 अलक्ष्य परचेज सेंटर्स, सभी में हमारे सारे ऑफिसर्स को सब डिवीजन वाइज, तहसील वाइज डेप्यूट किया गया है। हमारा सारा परचेज भी ठीक चल रही है, अराइवल भी ठीक चल रही है। लिफ्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत थी उसमें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी मंडी गोहाना की, उसका आज री टेंडर करने के बाद फाइनल कर दिया गया है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ 1.5 से 2 लाख क्विंटल डेली का अराइवल है और 99% सोल्ड हो रहा है। अभी तक 22,96,000 क्विंटल टोटल अराइवल हो चुका है। लिफ्टिंग जो स्टेट का परसेंटेज 40% है, उससे हमारा कम नहीं है, ज़्यादा है। और आज ये गोहाना का जो गोहाना मेन मंडी है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन का इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, टेंडर हमने कर दिया है, अलॉट कर दिया था आज ही, तो उसके बाद हम लिफ्टिंग भी टाइमली हो जाएगी। और सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए, और कल पूरा दिन हमने मंडी के जो आड़ती हैं उन लोगों से भी मीटिंग की है, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग ये शो कर रही है कहीं बरसात ना आ जाए। लिफ्टिंग को स्पीड अप करेंगे और अल्टरनेट अरेंजमेंट है जो भी तिरपाल वगैरह करके रखेंगे। पूरे सोनीपत जिले में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ प्रोग्रामेंट हो रही है, स्मूथ लिफ्टिंग हो रही है, सारा हम ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। FCI से एक छोटा सा इशू था, FCI के अधिकारियों से बैठ के हमारे अधिकारियों की मीटिंग करवा दी है, कोई तालमेल की कमी थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि फॉरन बॉडी ज़्यादा है, उसमें वो ले नहीं रहे थे उसको प्रोक्योरमेंट को, वीट को, तो उसके बाद उनसे बैठ के बात हो गई, उसको झरने से छान के दे दिया, वो एग्री कर गए, वो भी लिफ्ट कर दिया सर। सोनीपत जिले में कोई इशू नहीं, पेमेंट सरकार के दिशा निर्देश अनुसार टाइम बाउंड मैनर में मिल गई, कोई इशू नहीं। अभी तक एक सिंगल कंप्लेंट सोनीपत जिले में पेमेंट के बारे में नहीं है।